तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैंटसी सेलेक्टर पे यहाँ पर बात करेंगे आज के पहले ईसीएस टी10 मैच के बारे में जो कि यहाँ पर खेला जा रहा है। जैसा आपको पता है कि ईसीएस टी10 क्रोएशिया के मुकाबले यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल चार मुकाबले खेले गए थे, चार टीमों के बीच में दो दो मुकाबले, दो दो टीमें आपस में खेली थी। और ये जो आज का मुकाबला है, आज के दिन का पहला और इस टूर्नामेंट का पांचवा मुकाबला है, एलजेयू और एसडब्ल्यूएच के बीच में ब्यूडिनेक ओवल क्रोएशिया के उसी मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा। पहला मैच होगा यहाँ पर 12 बजे से, दूसरा मैच होगा 2 बजे से। तो दोनों मैचेस के लिए जो वीडियो होगा पूरी तरह से सेम होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पर पिच रिपोर्ट के हिसाब से तो जो वेन्यू की विकेट है, अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी खासी, अब आपने देखा भी होगा अगर एक तरह से खेतों में मुकाबला खेला जा रहा था, पिच ठीक ठाक थी, बैटिंग के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन सेकंड इनिंग में जाते जाते पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती थी, तो चेंज करना यहां पर इतना आसान रहा है नहीं। और कल के जो चारों के चारों मुकाबले खेले गए उसमें साफ साफ देखने को मिला कि चारों मुकाबले यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, चेंज करने वाली टीम हारी, और जीतने का अंतर भी काफी बड़ा रहा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि कोई एक टीम कमजोर थी या एक टीम मजबूत थी, तो मजबूत टीमों ने पहले बैटिंग करके मैचेस जीत लिए। बल्कि आपको मैं बता दूं कि जैसे ये जो एलजेयू की ही टीम है जिसने दो मुकाबले ऑलरेडी खेल रखे हैं, एक मैच में इसने चेज किया था, 12 रन से हारी थी ये टीम, 63 रन बनाए थे 5 विकेट पर। और दूसरे मैच में जैसे ही इनको पहले बैटिंग करने का मौका मिला, हालांकि उसमें बैटिंग ऑर्डर ने भी थोड़े बहुत चेंजेस किए इस टीम ने, और उसके बाद 167 रन बना दिए 8 विकेट पर, और 68 के बड़े अंतर से उस मुकाबले को जीत लिया। तो बेसिकली पिच पर काफ़ी हद तक चेंज करना उतना आसान है नहीं। और आज के इस मैच में भी अगर मैं बात करूँ तो आज की जो दूसरी टीम है, खास करके यहाँ पर जो सर विलियम हॉस्टेविस की जो टीम है, काफ़ी इनएक्सपीरियंस टीम है, उनके पास न तो T20 खेलने का खास अनुभव है ना ही T10 का। तो उसका फायदा तो यहाँ पर डेफिनेटली एलजेयू की टीम को मिलेगा ही। अभी तक चारों मुकाबलों में यहाँ पर जो पहली इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 118 का, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है मात्र 87 रनों का। पहली इनिंग में विकटें ज़्यादा गिरी हैं, सेकंड इनिंग में विकटें कम गिरी हैं, टोटल 22 विकटें गिरी हैं अभी तक चार मैचेस में पहली इनिंग के, जबकि 16 विकटें गिरी हैं चार मैचेस में सेकंड इनिंग के। तो विकटें तो डेफिनेटली सेकंड इनिंग में कम गिरी हैं, बल्लेबाजों ने संभाल कर खेला भी है, लेकिन रन भी काफ़ी ज़्यादा कम बने, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि 13 और इधर का 13 हो गया और इधर का 18, यानी कि अगर आप अंतर निकालें दोनों टीमों के बीच में जो पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों के बीच में जो रनों का अंतर रहा करीब करीब 31 रनों के आसपास का रहा पर मैच ऑन एन एवरेज, तो डेफिनेटली यहाँ पर पहले बैटिंग करना ज़्यादा आसान और सूटेबल होगा। और यहाँ पर एलजेयू की टीम वैसे ही काफ़ी अपर हैंड में रहेगी, तो टॉस का अपडेट हमको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि टॉस के बाद हमारे पास बैटिंग ऑर्डर आएगी, और बैटिंग ऑर्डर जो आएगी वो चीज़ खास करके एसडब्ल्यूएच की जो टीम है, सर विलियम होटे की जो टीम है, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनकी टीम का बैटिंग ऑर्डर भी हमको देखना पड़ेगा। और वो बैटिंग ऑर्डर भी आपको टॉस के बाद की जो फाइनल टीम होगी वो भी आपको, और सारे फाइनल जो अपडेट्स होंगे वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल को, उसको क्लिक करिए, सीधा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए और नीचे के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। या इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी एक पिन किया हुआ कमेंट है, वहाँ पर भी वही लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल का, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको भी क्लिक करके आप ज्वाइन करिए। एक तो विजन 11 पर बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है, विजन 11 पर एक डिपॉजिट ऑफर फिलहाल आया हुआ है, उसके बारे में आपको मैं अगर बताऊं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 2,30,000 रुपये, और इतना बड़ा मार्जिन जो है 15% का, ये तो आपको किसी कहीं आप इन्वेस्ट भी करेंगे तो वो भी आपको 10-20 साल में मिलेगा, और ये इंस्टेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो 2,30,000 रुपये मिल रहे हैं आपको 2 लाख के डिपॉजिट पर विजन 11 के वॉलेट में, उसका डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा स्ट्रेट वे, वहाँ पर मैंने पोस्ट डाल रखे हैं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लीजिएगा। तो जाइए मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, बल्कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी विजन 11 का, जी नहीं विजन 11 का बल्कि लिंक जो होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, तो आप जाकर के टेलीग्राम पर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक विजन 11 का मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर करिएगा मेरा रेफर कोड लगा करके, जो कि जो लिंक है सीधा उसी से डाउनलोड कर लीजिएगा जो मैंने टेलीग्राम पर दिया है, और जाइए डिपॉजिट करिए। 1,666 के डिपॉजिट पर आपको मिलेगा 1,777 रुपये, 17,777 रुपये का एक डिपॉजिट है उस पर आपको मिल रहा है टोटल 20,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिटर्न, ये करीब 12.5% के आसपास का रिटर्न बनता है। तो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या किसी भी तरीके का कोई भी फंड इन्वेस्टमेंट आप करें, वो आपको 10-15 साल 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट देगा वो यहाँ पर इंस्टेंट मिल रहा है विजन 11 पर। तो जाकर के टेलीग्राम पर देखिए, वहाँ से डाउनलोड करिए मेरे टेलीग्राम से, और वहाँ पर डिपॉजिट फटाफट कर लीजिए, बहुत ही तगड़े ऑफर्स हैं दिवाली के उपलक्ष्य में। और डेली जो आपको मैंने तीनों ऑफर बताया, एक 1,666 वाला बताया, एक 17,777 वाला बताया, और एक 2 लाख रुपए वाला जो आपको मैंने बताया, ये तीनों जो ऑफर्स है एक एक बार आप डेली ले सकते हैं दिवाली तक। सारे डिटेल्स मेरे टेलीग्राम पर आप जाकर के देख लीजिए। फिलहाल अब हम बात करें पर टीमों की, तो एलजेयू की जो टीम है आपको बता ही चुका हूँ कि 2 मैचेस के लिए, एक जीती एक हारी, इनकी तरफ से अब्दुल हसन ने ओपन करते हुए अभी तक 40 और 18 रन की 2 पारियाँ खेली हैं। पहले मैच में इन्होंने बॉलिंग भी की थी, 2 ओवर में 22 रन दिए थे, विकेट इनको नहीं मिला था। करियर अगर आप इनका देखें T20 का तो काफ़ी एक्सेप्शनल रहा है अभी तक, 11 मैच 216 रन है, 19 का एवरेज है, 14 विकेटें हैं 41 ओवर की पूरी बॉलिंग में। तो T20s में अभी तक इन्होंने पूरे कोटे के 4 ओवर
की बॉलिंग लगभग हर मैच में किया, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक ही मैच में बॉलिंग की है। कप्तान के रूप में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होंगे, लेकिन इनसे भी बेहतर ऑप्शन इसलिए बन जाते हैं इजाज़ अली, क्योंकि अभी तक दोनों मैच में इन्होंने 33 और 2 रन की दो पारियाँ तो खेली है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कि दो दो ओवर की बॉलिंग की है, काफ़ी किफायती रहे हैं। 2 ओवर में 11 रन, 2 ओवर में 13 रन दिए और दोनों मैच में एक एक विकेट लिया है। तो इनके साथ कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ती है कम से कम बॉलिंग की। बाकी 5-5 मैच ऐसे T10 और T20 में दोनों खेल चुके हैं। T10 में 48 रन है, T20 में 86 रन है, हाईएस्ट स्कोर लगभग एक जैसे ही है दोनों ही तरीके के फॉर्मेट्स में। विकेट्स अगर आप देखें तो T10 में उसके पहले इन्होंने 3 विकेटें ली थी 5 मैच में, अब तो हो गई है टोटल 7 विकेटें 7 मैच में, 5 विकेटें 7 मैच में। बाकी 9 ओवर की बॉलिंग 5 मैच उसके पहले भी इन्होंने की थी, तहाँ भी यहाँ से भी प्रूव होता था कि 2 ओवर करते हैं। और T10 के भी आप T20 का भी देख सकते हैं। रमन जोश सिंह जो पहले वाले मैच में थोड़ा नीचे आए थे बैटिंग करने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसके पहले तो इन्होंने 19 T20 में तो 413 रन बनाए थे, 25 के एवरेज से 17 विकेटें भी ली थी 35 ओवर की बॉलिंग में। तो हर मैच में पूरे कोटे की ओवर बॉलिंग नहीं करते, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर पूरी है, वो देखने को मिला। सेकंड मैच में भी एक ही ओवर किया, 4 रन दिए, 1 विकेट लिया और 18 रन की एक बढ़िया पारी भी खेली, पहले मैच में 1 रन बनाए थे। तो रमन जोश सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 3 पर आते हैं तो कप्तान है, वाइस कप्तान के ग्रैंड लिख ले वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। गनीकांत नंबर 4 पर, 11 मैच 122 रन, 20 का एवरेज, 11 विकेट, 37 ओवर की बॉलिंग में, इसके पहले इन्होंने T20 में बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 4 ओवर के तो बॉलर थे T20 में, और यहाँ पर भी दोनों मैच में 3 ओवर अभी तक बॉलिंग कर चुके हैं। सेकंड मैच में एक ही ओवर मिला पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे। पहले मैच में भी 1 विकेट निकाला था, 2 ओवर में 17 रन देके बल्ले से अभी तक 1 और 0 की 2 पारियाँ केवल खेल पाए हैं। इसके बाद आते हैं रसीद अली मोहम्मद खेल। T20 में इसके पहले इन्होंने 2 मैच में 51 रन बनाए थे, 51 का ही एवरेज था, जो कि एक ही बार आउट हुए थे। 15 रन की पारी कल के एक मैच में इन्होंने खेली। बाकी मीरवाइज सिनवारी दोनों मैच में बढ़िया बॉल, हालांकि दूसरे मैच में तो नहीं कहना चाहिए बढ़िया बॉलिंग, एक ही ओवर किया 12 रन दिए। पहले मैच में 2 ओवर में 8 रन देकर के 1 विकेट इन्होंने लिया था, बाकी 8 और 4 रन की 2 पारियां अभी तक खेल पाए हैं। इसके अलावा T20 में इन्होंने इसके पहले 4 मैच में 12 रन बनाए थे, 4 विकेटें 12 ओवर की बॉलिंग में ली थी, तो बढ़िया बॉलर है। इसके बाद आते हैं तरुण शर्मा, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर है। T20 में इसके पहले के 5 मैच केवल 60 रन थे, 3 रन की पारी कल इन्होंने एक T10 मैच में खेली। बाकी वकार खान 6 मैच में 70 रन, 23 का इनका एवरेज था T20 में इसके पहले, और 5 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेटें। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह रही कि पहले मैच में 2 ओवर किया, 11 रन दिए, 1 विकेट लिया, 14 रन की पारी भी खेली। दूसरे मैच में 11 रन बनाया, लेकिन एक ही ओवर की बॉलिंग की विकेट इनको मिला नहीं। बाकी हैरिस करीम दूसरे मैच में खेले, 1 रन की नवाद पारी खेली, 2 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट भी लिया, थोड़े महंगे जरूर है लेकिन विकेट निकालने में कामयाब रहे। इसके अलावा हसन अहमद ये भी दूसरे मैच में केवल बॉलिंग की, 1 ओवर में 16 रन दिया, विकेट मिला नहीं, 14 रन की नवाद पारी खेली, 1 ओवर में 12 रन दिया दूसरे मैच में। जो राइट आर्म स्लो बॉलर जोश होविक ने इसके पहले 7 T20 में केवल 1 विकेट ही ले पाए हैं। बाकी नूर अहमद जई अभी तक खेले नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, खेलते हैं तो स्ट्रेट वे आपके टीम में भी आएंगे। कप्तान या वाइस कप्तान के भी काफ़ी अच्छे चॉइस होंगे। अच्छा खासा T10 का एक्सपीरियंस है, 39 में 570 रन है, 53 का हाइस्ट स्कोर है, 21 का एवरेज है, 23 विकेटें हैं 49 ओवर की बॉलिंग में। तो पूरे 2 ओवर तो नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ पर विकेट लेके जाएंगे पहले मैच में, पहले ओवर में, तो वहाँ पर आपको दूसरा ओवर भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी के जो प्लेयर्स हैं इसमें अमर सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जय राणा भी पहला मैच खेले थे, केवल 9 ही रन बनाए थे, लेकिन अमर सिंह अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छे स्टार्ट्स हैं इनके T20 में। 10 मैच 271 रन, 38 का एवरेज है, 15 विकेटें, 32 ओवर की बॉलिंग में, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में भी। तो ये रही कंप्लीट स्क्वाड एनालिसिस LJU की टीम की, जिसके आपका मैंने बैटिंग ऑर्डर भी दिखा दिया और सारे अक्रॉस द फॉर्मेट स्टैट्स भी दिखाए, और जो कल के दोनों मैचेस की परफॉर्मेंसेस थी वो भी आपने देखी, चॉइसेस भी आपको बताया कि ग्रैंड लीग के लिए कौन अच्छा कप्तान या वाइस कप्तान का होगा। आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी टीम है सर विलियम होस्टविज की, इनकी टीम के पास एक्सपीरियंस की काफ़ी कमी है। सैम हाउटन वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी इस टीम के, जो कि 24 T10 मैच खेल चुके हैं, 346 रन बना चुके हैं, 50 का हाईएस्ट स्कोर है, 29 का एवरेज है, केवल 1 विकेट है 2 ओवर की बॉलिंग में। बाकी पीटर माइकलवर्थ 6 मुकाबले खेले हैं, 31 रन केवल बनाए हैं, 7 का एवरेज है, लेकिन वो भी T20 में। ल्यूका स्टब्स 5 T10 मैचेस खेले हैं, लेकिन कभी भी इनको बैटिंग या बॉलिंग मिली नहीं है। बाकी जोसेफ जोकिक हैं, जो कि 7 T10 खेले हैं, 10 रन बनाए और 2 विकेटें चटकाई हैं 11 ओवर की अपनी बॉलिंग में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक है, जो कि पूरे तो 2 ओवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ऊपर थोड़ा बैटिंग भी करेंगे। बाकी क्रेग वियर हैं, 7 मैच 46 रन, 15 रन आबाद का हाईएस्ट स्कोर और 3 विकेटें। डोमिनिक्स विलिक्स हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, 3 मैच में विकेट तो कोई नहीं है, ना ही कोई रन है। बाकी स्टॉक डोर डेविक है, 1 T20 खेला इन्होंने, लेकिन वहाँ पर इनको बैटिंग बॉलिंग मिली ही नहीं एक्चुअली। बाकी विलिज को पोपोविक 4 मैच में 4 रन है और 2 विकेटें हैं 3 ओवर की बॉलिंग में, नंबर 8 पर आएंगे करीब करीब। बाकी जो प्लेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे अभी, इनका ना ही T20 में डेब्यू हुआ है, ना ही T10 में डेब्यू हुआ है, तो डेफिनेटली इनका बैटिंग ऑर्डर खास करके देखना पड़ेगा, इनका रोल देखना पड़ेगा क्या रहेगा, एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर खेलते हैं किस तरह से, तो उसके हिसाब से अपनी टीम हम बनाएंगे। बाकी ये टीम जो है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस टीम है, तो थोड़ा सा हल्की टीम भी दिखाई पड़ रही है, और LJU की टीम थोड़ी सी भारी भरकम टीम दिखाई पड़ रही है। तो ये रही कंप्लीट स्क्वाड एनालिसिस दोनों टीमों की। इसके पहले आपको काफ़ी डिटेल में मैंने पिच रिपोर्ट समझा दी, और आपको पता चल ही चुका होगा कि किस तरीके से टीमें यहाँ पर फैसला करेंगे टॉस के बाद। ये भी बता चुका हूँ कि टेलीग्राम के चैनल पर आपको इस मैच की फाइनल टीम मिलेगी, फाइनल बैटिंग ऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्रैंड लीग के लिए खास करके, वो भी आपको मिलेगा। मेरे वीडियो को ही देखिए, जो मेरे वीडियोज़ पड़े हुए हैं
आप T10 के वीडियोस देखिए, कोई भी जाकर के 5-6 वीडियो पिछले देखिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे वीडियोस को देख के, वो आप भी कर सकते हैं। करना यही पड़ेगा आपको, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना पड़ेगा। बाकी जैसे मैंने बताया था, विजय निलोन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत तगड़े ऑफर चल रहे हैं, 15% तक का रियल कैश आपको मिल रहा है डिपॉजिट पर। यह आपको मैं वीडियो को शुरू में ही बता चुका हूँ। बाकी डेली गिव अवेज तो वैसे ही आपको मिलते रहते हैं, कबड्डी में कम से कम 20,000 रुपये के मेरे टेलीग्राम पर। तो फाइनल टीम के लिए भी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक, और ये टीम बना करके फिलहाल सेव कर दीजिए। रमन जोश सिंह आपका विकेट कीपर हो गया, बाकी ल्यूका स्टब्स हो गया, बी इजाड़ और अब्दुल हसन के रूप में 3 हमारे बैटर्स हो गए, इजाज अली, सैम हाउटन, वकार अली और डी स्विलिकी के रूप में यहाँ पर 4 ऑलराउंडर्स हो गए। कप्तान हो जाएंगे इजाज अली और अब्दुल हसन को मैंने बनाया वाइस कप्तान, बाकी जोसेफ जोकी, एम सिनवारी और घनी खान के रूप में हो गए 3 बॉलर्स। तो ये टीम रहेगी, बाकी अगर कोई भी अपडेट होगा टेलीग्राम पर दे दूंगा। वीडियो लाइक अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो यहीं पर खत्म, चलते हैं, नमस्कार।